मिर्जापुर अहरोरा क्षेत्र के गंगा देवी बालिका इंटर कॉलेज के संस्थापक मोहन लाल गुप्ता 93 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाते हुए शासन प्रशासन से न्याय की मांग की है। आपको बताते चले कि गंगा देवी बालिका इंटर कॉलेज क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। वहीं पूर्व प्रबंधक अशोक कुमार सिंह पुत्र बीरबल सिंह निवासी जुड़ई अहरोरा का वृत्ति अनियमितता सामने आने पर संस्थापक ने संबंधित विभाग को शिकायत की, मगर प्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए धन उगाही पर आज भी लगे हुए हैं, जिसकी शिकायत मोहनलाल गुप्ता द्वारा बार बार शासन प्रशासन से की गई है। वहीं मोहनलाल गुप्ता ने न्याय की गुहार लगाते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बाबूजी आपका परिचय जानना चाहेंगे। मोहनलाल गुप्ता नाम, संस्थापक रवि बालिका विद्यालय जी। बाबूजी क्या आपके विद्यालय में क्या समस्या आ रही है इन दिनों, कुछ बताएंगे? हाँ, अशोक सिंह यहाँ के प्रबंधक बना दिए गए जी, और लगे शुरू से मनमानी करने जी। जैसा कि सुनने में आ रहा है सूत्रों से कि वो काफ़ी धन उगाही, फीस वसूली जैसी कई शिकायतें और यहाँ तक कि संस्थापक के खिलाफ गाली गलौज मारने की धमकी, ये सारी बातें सुनने में आ रही है, कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल सही है, जितना आप कह रहे हैं वही टोटल सही है जी। तो इसके संदर्भ में आपने विभाग को सूचना दिया, पुलिस प्रशासन को सूचना दिया? हाँ। तो अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी पूरी कार्रवाई तो नहीं की जी। सूत्रों से सुनने में आया है कि पुलिस ने उनको मना किया था कि आप पैसा वसूली नहीं करेंगे, छात्र छात्राओं से शुल्क नहीं लेंगे, बावजूद उसके भी फिर वो पैसा वसूलना शुरू कर दिया, ये कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है जी। ऐसे हालात में आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद।